हाय फ्रेंड, जो 2023 वर्ल्ड कप है उसके लिए तो सब लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप शुरू होने में ओनली 20 या 25 दिन ही रह गया है। और इसी बीच जो आईसीसी है, आईसीसी ने जो अंपायर है, अंपायर का नाम भी घोषित कर दिया है। और जो मैच रेफरी है, मैच रेफरी का नाम भी घोषित कर दिया। जो आईसीसी का एलीट ग्रुप है, एलीट ग्रुप में से 12 यानी 12 अंपायर को चुना गया है। और जो प्लेट यानी इमाजिन से 4 अंपायर, टोटल 16 अंपायर का नाम घोषित कर दिया गया और 4 मैच रेफरी है। तो आइए जानते हैं कौन कौन है वो 16 अंपायर जो इस बार वर्ल्ड कप में अंपायर करते हुए आप लोगों को दिखाई देगा, और कौन है वो 4 मैच रेफरी जो इस बार मैच रेफरी के रूप में वर्ल्ड कप में आप लोगों को दिखाई देगा। तो चलिए सबका नाम और सबका फेस भी एक बार आप लोगों के सामने दिखाई देता हूँ। तो जो अंपायर है वो है कुछ इस तरह से। कुमार धर्मसेना जो एक अंपायर है एलिट का, वो है श्रीलंका से बिलोंग करता है। इसके बाद है माइकल गॉफ जो इंग्लैंड से बिलोंग करता है, वो भी एलिट का है आईसीसी का। और इसके बाद है रिचर्ड विलिंगवर्थ जो इंग्लैंड से ही बिलोंग करता है, वो भी आईसीसी एलिट पैनल का अंपायर है। इसके बाद है, इसको तो सभी जानते हैं, रिटायर्ड कैटलबोरा जो है इंग्लैंड से, वो भी आईसीसी का एक एलिट पैनल का अंपायर है। एलेक्स वाल्फ जो इंग्लैंड से बिलोंग करता है, वो आईसीसी इमाजिन का अंपायर है। रोडनी टकर जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, वो भी आईसीसी एलिट का अंपायर है। पॉल राइफेल जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, वो भी आईसीसी एलिट पैनल का अंपायर है। पॉल विल्सन जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, वो इमाजिन पैनल का एक अंपायर है। एंड्रियन होल्स्टॉक जो साउथ अफ्रीका बिलोंग करता है, वो एलिट पैनल का अंपायर है। मारिस हरसमैन जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करता है, वो भी आईसीसी एलिट पैनल का अंपायर है। क्रिस्टोफर गेफनी जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करता है, वो भी आईसीसी एलिट पैनल का अंपायर है। क्रिस ब्राउन जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करता है, वो भी आईसीसी एलिट पैनल का अंपायर है। नितिन मेनन जो इंडिया से बिलोंग करता है, वो भी आईसीसी एलिट पैनल का अंपायर है। एहसान राजा जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है, वो भी आईसीसी एलिट पैनल का अंपायर है। जोएल विल्सन जो वेस्ट इंडीज से बिलोंग करता है, वो भी आईसीसी एलिट पैनल का अंपायर है। इसके बाद है शरफुदुल्ला इबोने शाहीन जो बांग्लादेश से बिलोंग करता है, वो आईसीसी इमाजिन पैनल का एक अंपायर है। इसके बाद जो मैच रेफरी है वो है कुछ इस तरह से। जेफ क्रो जो बिलोंग करता है न्यूजीलैंड से। एंडी पाइक्राफ्ट जो बिलोंग करता है जिम्बाब्वे से। रिची रिचार्डसन जो बिलोंग करता है वेस्ट इंडीज से। और है जवागल सेनाथ जो बिलोंग करता है इंडिया से। तो यही था जो इस बार 2023 वर्ल्ड कप है इसमें अंपायर करते हुए आप लोगों को दिखाई देगा, और मैच रेफरी करते हुए भी आप लोगों को दिखाई देगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो मैच रेफरी और अंपायर है वो सही चुना गया है या नहीं, आप भी कमेंट करके ज़रूर अपना राय दीजिएगा।